स्वागत है। अभी अपन देख रहे थे अपना सातवां अध्याय जो कि था स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, जिसके अंतर्गत अपन ने नियुक्तिकरण को देखा था, उसके बाद अपन ने भर्ती को देखा था। तो अब आज अपन देखते हैं चयन के बारे में। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए भर्ती क्या कहती है, जो कि आपको पता होगा बट एक बार मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ। भर्ती का सीधा सा मतलब होता है जिसके अंतर्गत जब हमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र लेते हैं कर्मचारियों से, जिन कर्मचारियों को रोजगार की आवश्यकता होती है। तो उस चीज को तो हमने कह दिया कि वो क्या है, भर्ती है। अब भर्ती में अपन के दो स्रोत होते थे, वो थे आंतरिक स्रोत होता था, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब कि जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती वेबसाइट के अंदर ही की जाती थी, और एक था बाह्य स्रोत जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती बाहर से करते थे। अब अपन देखते हैं कि चयन होता है वो क्या होता है। तो चयन का मतलब होता है कि भर्ती के जो आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं उनके माध्यम से जो हमारे पास आवेदन पत्र आए हैं उनमें से उचित व्यक्तियों को चुनना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के लिए योग्य हैं उन व्यक्तियों का चयन करना ही क्या कहलाता है, नियुक्ति करना ही चयन कहलाता है। अब चयन की जो प्रोसेस होती है वो निगेटिव प्रोसेस कहलाती है, यानी कि इसको हम नकारात्मक प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो योग्य व्यक्ति रहते हैं उनको रख लिया जाता है और जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनको वेबसाइट से निकाल दिया जाता है। तो चयन की जो एक प्रक्रिया होती है वो लंबी प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नकारात्मक प्रक्रिया, जो आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो चयन से आगे ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत भर्ती के माध्यम से आए हुए आवेदन पत्रों में से हम योग्य व्यक्तियों का चयन कर लेते हैं, उसको नियुक्ति कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, चयन। अब अपन देखते हैं चयन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मतलब कि अगर आप भी किसी व्यवसाय में काम करने के लिए जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, तो आपको भी इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रारंभिक साक्षात्कार और अभ्यर्थियों का स्वागत करना। तो प्रारंभिक साक्षात्कार का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनसे आवेदन प्राप्त हुए हैं उनसे कैजुअली एक बार मीटिंग कर लेना, यानी कि देख लेना किन किन व्यक्तियों से आवेदन पत्र मिले हैं और कौन कौन से व्यक्ति काम करने के लिए योग्य हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रारंभिक साक्षात्कार में केवल ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनके आवेदन पत्रों को देखते हैं और उनकी योग्यता को देख लिया जाता है। दूसरा होता है इसके प्रारंभिक साक्षात्कार में साथ ही साथ उनकी रुचि और योग्यता के बारे में भी जानकारी ली जाती है। दूसरा होता है आवेदन पत्र भरना। ऐसे व्यक्ति जो हमें योग्य और कुशल रखते हैं उन व्यक्तियों से हम आवेदन पत्र भरवाते हैं। अब आवेदन पत्र भरवाने के साथ साथ तो उनकी सारी डिटेल उसमें भरवानी पड़ती है, मतलब जीवन संबंधी की मैरिड है, अनमैरिड है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली स्टेटस क्या है, साथ ही साथ इसके पहले वो कहाँ वर्क करते थे, वहाँ उन्हें कितनी सैलरी मिलती थी, अगर कोई उन्हें डिसेबिलिटी है बॉडी में शारीरिक, तो उस संबंध में उनसे आवेदन पत्र में भरवा लिया जाता है। साथ ही साथ उनकी रुचि योग्यता क्या है वो सारी चीज़ें आवेदन पत्र में भरवा ली जाती है। तीसरा होता है साक्षात्कार। अब ऐसे व्यक्ति जो योग्य हैं अपन ने उनके आवेदन पत्र ले लिए। दूसरी चीज़, आवेदन पत्र में अपन ने उनसे सारी चीज़ें फिलअप करवा ली, यानी कि भरवा ली। अब तीसरा क्या किया जाता है, जिस वेबसाइट पर लोग कार्य कर रहे होते हैं उनका एक पैनल बना दिया जाता है, जैसे कि कोई टीचर की जॉब वेकेंसी निकली है, अब वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो वहाँ ऐसे लोग बैठे रहेंगे जिनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी हो, जो उस टीचर से पूछ सके। वैसे इनका एक पैनल रहता है वेबसाइट में जो साक्षात्कार, जिसको अपन इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया जाता है उनका, और उनसे इंटरव्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का काम करना चाहता है तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी, या मान लो कोई साबुन का एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप कैसे कैसे उसको कर सकते हो, तो वो तमाम तरीके के क्वेश्चन उनसे साक्षात्कार एंड के इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। अब साक्षात्कार एक व्यक्ति भी ले सकता है या उनकी जो पूरी टीम रहती है जिसमें 7 से 8 लोग होते हैं वो भी ले सकती है, तो उनका क्या हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। चौथा होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अब साक्षात्कार में तो अपन ने क्या किया, उनसे क्वेश्चन आंसर ऐसे पूछ लिए, लेकिन उसके बाद उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है कि वास्तविक रूप से जो व्यक्ति का अपन ले रहे हैं, अपने व्यवसाय में रख रहे हैं, उसका मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ बैठ कर उठकर बातें करने से हमें पता लग जाती है, तो उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। और फिर विभाग प्रधान को स्वीकृति दी जाती है, जो व्यक्ति जिस विभाग के काम करने के लिए योग्य रहता है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया इंटरव्यू में, उसके बाद हम उस संबंधित विभाग को जानकारी दे देते हैं कि इस व्यक्ति को हमने आपके विभाग के लिए चुना है, तो हो गया विभाग प्रधान की स्वीकृति। छठा होता है शारीरिक परीक्षण करना। अब हम व्यक्ति को काम पर रख रहे हैं तो उसका शारीरिक परीक्षण कराया जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको कोई बीमारी हो, अगर कोई बीमारी होती है और बीमारी के चलते भविष्य में अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है
जाता है तो हम एटलीस्ट उसका परीक्षण कर, मतलब हमें पहले से पता रहेगा कि उसको क्या बीमारी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इलाज तुरंत की तुरंत करा सकते हैं। साथ ही साथ कोई गंभीर समस्या हुई तो हम उसको व्यवसाय में रखेंगे ही नहीं, इस प्रकार उसका शारीरिक परीक्षण कराया जाता है। उसके बाद संदर्भों की जाँच, यानी कि इसके पहले जहाँ वो काम करता था तो उसके पूछना वहाँ जाकर साथ वाले सहपाठियों से जो साथ में काम करते थे उसके, कि ऐसा तो नहीं कि कोई गलत काम में लिप्त हो, ऐसा तो नहीं इसको नौकरी से क्यों निकाला गया है, या फिर इसने कहीं कोई घपला तो नहीं किया, व्यवसाय को हानि तो नहीं पहुँचाई, इस प्रकार की जाँच की जाती है। उसके बाद नियुक्ति, इन सभी से पास होने के बाद, मतलब कि उसका प्रारंभिक जाँच हो गई, उसका आवेदन पत्र भरवा लिया, इंटरव्यू भी ले लिया, विभाग अध्यक्ष ने उसकी स्वीकृति भी दे दी, शारीरिक परीक्षण भी हो गया, संदर्भ से उस जाँच में पास हो गया, इसके बाद उसकी नियुक्ति व्यवसाय में कर दी जाती है और उसको एक आवेदन पत्र दिया जाता है जिसको लेटर बोला जाता है, तो हमने उसके कह दिया कि आप कल से काम पर आ सकते हैं। इस प्रकार उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। लास्ट होता है वेतन विभाग को सूचना। अब नियुक्ति करने के बाद हम वेतन विभाग को सूचना दे देते हैं कि इस व्यक्ति को हमने अपने व्यवसाय में रख लिया है, अब आप इसकी सैलरी को डिसाइड करिए, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाती है हमारी चयन की प्रक्रिया पूरी। अगर आप इसको इन्फॉर्मल वे में देखेंगे, अगर आप कभी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो क्या क्या होगा, तो आप अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ घटित होने वाली हैं, ये वही हमारी चयन की प्रक्रिया। अब अपन देखते हैं कि चयन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है योग्यता को प्राथमिकता। अब किसी भी व्यक्ति का किसी भी संस्था में चयन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी योग्यता ही देखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति आया और हमने उसको सिफारिश पर रख लिया। सिफारिश पर रखेंगे तो उससे हमारे ही व्यवसाय को लॉस होगा, वो काम कुछ कर नहीं पाएगा और लॉस हमें होना होगा। इसीलिए सबसे पहले चयन के सिद्धांत में जो दिया जाता है, अगर व्यक्ति योग्य है तो उसको व्यवसाय में रखा जाएगा और अगर व्यक्ति योग्य नहीं है तो उसको व्यवसाय में नहीं रखा जाएगा। दूसरा होता है सरल चयन नीति। अब यहाँ पर अगर चयन की इतनी सारी प्रक्रिया पड़ी, कोई तो देख सुन के ही कन्फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए जो चयन की नीति होती है वो एकदम सरल होनी चाहिए। यानी कि आंतरिक स्रोतों से चयन करना है, बाह्य स्रोतों से चयन करना है, वो सारी चीज़ें एकदम सरल होनी चाहिए ताकि सर जो व्यक्ति आवेदन करने के लिए आ रहा है वो उन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सके। इसीलिए जो चयन की नीति होती है वह एकदम सरल होनी चाहिए। तीसरा होता है सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन। अब तीसरा सिद्धांत आता है कि जिन भी व्यक्तियों को काम के लिए व्यवसाय में चुना जा रहा है वो एकदम योग्य और कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने किसी नीचे वाले स्तर का व्यक्ति रख दिया और वो जाके किसी का इंटरव्यू ले रहा है। तो चयन हमेशा सक्षम व्यक्तियों के द्वारा ही कराना चाहिए, जो कि उस संस्था के योग्य व्यक्ति हैं जिनको चयन के बारे में सारी चीज़ें पता होती है, तो सक्षम व्यक्तियों के द्वारा चयन। अब चौथा होता है उपयुक्त स्रोत भर्ती के। यहाँ पर अपन ने अभी दो स्रोत पढ़े थे, जो कि थे आंतरिक और बाह्य। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्रोत से चयन करना ज़्यादा उपयुक्त होता है। आंतरिक स्रोत से है तो आप आंतरिक स्रोत से करिए और बाहरी स्रोत से है तो आप बाहरी स्रोत से कर सकते हैं। तीसरी लास्ट है हमारा रोजगार पद्धति, यानी कि चयन की पद्धति भी रोजगार होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार अपन उन चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। आंतरिक स्रोत ले लो, बाहरी स्रोत ले लो, या फिर कर्मचारियों को थोड़ा ढील देकर अपन उनकी चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चयन की नीति है वो एकदम रोजगार होनी चाहिए। तो अभी अपन ने देखा चयन की प्रक्रिया और चयन के सिद्धांत। अब अपन देखते हैं प्रशिक्षण क्या होता है। तो प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो नए कर्मचारी रहते हैं जिनको कार्य करना नहीं आता है उनको कार्य करना सिखाना ही प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे एक सुपरवाइजर होता है ना, वो क्या करता है कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करता है, कार्य करना देखता है कि कहाँ पर उससे गलतियाँ हो रही हैं। तो एक प्रशिक्षण का मतलब होता है एक संस्था और एक व्यवसाय के अंतर्गत जो नए नए कर्मचारी आते हैं उनको कार्य करना सिखाना, उनके कार्यों पर निगरानी रखना, कैसा वो कार्य कर रहा है और अगर कार्य कर रहा है तो भविष्य में त्रुटियां भी वो कर सकता है। तो उनको पहले से ही बता देना कि भविष्य में जो त्रुटियां तुम करने वाले हो वो त्रुटियां तुमसे ना हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रशिक्षण। शॉर्ट में कहें तो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना अर्थात उसे कार्य करना सिखाना ही क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। अब अपन देखते हैं प्रशिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है अनुभव द्वारा पुनः प्रशिक्षण। अब देखिए कर्मचारी जो रहता है उसको कार्य करना तो आता है, अब लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से क्या हो जाता है उसको और अच्छे से कार्य करना आ जाता है, जिसको हम कहते हैं अनुभव द्वारा पुनः परीक्षण करना। यहाँ पर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, अब वो आपको कार्य करना सिखा रहा है, आप बीच बीच में उससे पूछ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो आपसे कार्य करवा के दिख रहा है, तो यानी वो एक हिसाब से आपका परीक्षण कर रहा है कि आप उस कार्य को करने में योग्य हैं या नहीं है, उसी को हम कहते हैं अनुभव द्वारा पुनः परीक्षण करना। दूसरी चीज होती है समस्याओं का निकट से परीक्षण कराना।
अब एक प्रशिक्षण वाला यहाँ कर्मचारी आता है, वो एकदम कैपेबल होता है हर चीज को करने में। अब आप उसको पता है कि आप जो काम करोगे उससे आने वाले भविष्य में कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो वह पहले से ही बता देता है कि आप मान लीजिए कोई मशीन का यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको भविष्य में आ सकती है, तो इसलिए आप मशीन का उपयोग इतने अच्छे से करिए ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो कि आपकी उत्पादकता कम हो जाए या फिर आपकी बिक्री कम हो जाए। तो उसमें क्या हो जाता है, समस्याओं का निकट से परीक्षण भी प्रशिक्षण के द्वारा हो जाता है। तीसरा होता है कार्य संबंधी उत्तम निर्णय लेना। अब जो प्रशिक्षण होता है वह व्यक्ति को कार्य करने के इतने कैपेबल अर्थात योग्य बना देता है कि उसकी निर्णय क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक व्यक्ति है, कर्मचारी है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो उस हिसाब से निर्णय नहीं ले पाएगा, और एक व्यक्ति है जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। अब वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब वो कार्य करने के में बहुत अच्छा कैपेबल होगा, बहुत योग्य होगा। तो कार्य संबंधी उत्तम निर्णय लेना भी प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। चौथा होता है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण का मतलब होता है खुद का स्वयं का विश्लेषण करना। अब एक प्रशिक्षित व्यक्ति व्यक्तियों को कार्य करना सिखाएगा, उसके साथ उठेगा, बैठेगा, बोलेगा, कार्य करना सिखाएगा, तो कर्मचारियों को भी स्वयं का पता लगता है कि मेरे अंदर भी ये प्रतिभाएं छुपी हुई थी। कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है, कोई अच्छा लीडर बन सकता है, कोई व्यक्तियों को का अच्छा नेतृत्व कर सकता है, तो कुल मिलाकर लीडरशिप क्वालिटीज में विकसित हो जाती है। तीसरी, अब दूसरी चीज हम देखें कि मान लो कोई विज्ञापन का कार्य बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये सारी चीजें उनको आत्मविश्लेषण के द्वारा पता लगती है, जो हम प्रशिक्षण के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। पांचवा हुआ दूसरों के विश्लेषण की जानकारी देना। एक दूसरे के साथ संग में बैठना, उठना, बातचीत करना, उनके व्यवहार को जानना, ये सारी चीजें प्रशिक्षण के माध्यम से ही हो सकती है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का परीक्षण हो जाता है, भविष्य में कौन सी समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपटना है वो उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। कार्य करते समय किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से हम ले सकते हैं। व्यक्ति में स्वयं की कौन कौन सी योग्यताएं हैं, साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, वो सारी चीजें हम प्रशिक्षण के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं प्रशिक्षण का महत्व क्या होता है। तो सीधी सी बात है, प्रशिक्षण से व्यक्तियों की योग्यता में वृद्धि होती है क्योंकि व्यक्ति कार्य करना सीख जाते हैं। अब अपन देखते हैं नए कर्मचारियों को कार्य की जानकारी देना। कोई भी कर्मचारी जिसकी नई नई भर्ती व्यवसाय में हुई है, अर्थात चयन उसका व्यवसाय में हुआ है, अब उसको कार्य करना तो आता नहीं है, इसीलिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है, नए कर्मचारियों को कार्य करने की जानकारी दी जाती है कि आप हमारे व्यवसाय में आए हैं, आपको कल से काम पर आना है, उत्पादन का काम करेंगे, यहाँ मशीनें रखी रहती हैं, ऐसे आपको काम करना है। तो ओवरऑल क्या किया जाता है, उनको कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। दूसरा होता है कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए। अब क्या होता है, व्यवसाय में बहुत से कर्मचारी रहते हैं, कार्य करने के योग्य भी रहते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस अर्थात मनोबल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब प्रशिक्षण के माध्यम से जब उनको एक बार कार्य करना सिखा दिया हमने, कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, साथ ही साथ अपन ने मान लो उनकी थोड़ी तारीफ कर दी, सैलरी बढ़ा दी, पदोन्नति कर दी, जिसके माध्यम से क्या होता है, कर्मचारी का मनोबल अपने आप ही पूरा हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये सब चीजें प्रशिक्षण के माध्यम से ही पूरी होती है। तीसरा होता है कर्मचारियों का विकास करने के लिए। अब प्रशिक्षण अपन संस्था में क्यों कराते हैं, ताकि एक कर्मचारी का विकास हो सके। अब विकास की जो प्रोसेस है वो तो पूरे व्यवसाय में निरंतर चलती रहती है, उसमें स्वयं की योग्यताएं बढ़ती जाती है, साथ ही साथ उसका विकास होगा तो हमारे व्यवसाय का भी विकास होगा, उसकी पदोन्नति होगी तो हमारा व्यवसाय की गुडविल भी अच्छी होगी, तो प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का विकास संभव हो जाता है। चौथा होता है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। अब पहले कोई नया नया कर्मचारी आया, कार 10 वस्तुओं का उत्पादन मान लीजिए 10 दिन में कर रहा था, अपने अपन ने उसको प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण के माध्यम से उसको कार्य करने की नई नई टेक्निक बताई, अब वो उस कार्य को एक ही दिन में कर सकता है, यानी कि 10 वस्तुओं का निर्माण एक ही दिन में कर सकता है, तो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता भी प्रशिक्षण के माध्यम से अर्थात उनको कार्य सिखाने से बढ़ जाती है। पांचवा होता है दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए। निकट भविष्य में आने वाली बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती है, जैसे मशीनरी में खराबी हो जाना जिसके माध्यम से हमें दुर्घटना हो सकती है, या फिर आप किन किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं मान लो वो बाजार में चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो उन दुर्घटनाओं से हम बच सकें इसके लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। तो आज अपन ने देखा प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा और चयन के बारे में अपन ने पढ़ा। आप घर पर इसको रीड करिए, कल अपन पढ़ते हैं विकास क्या होता है और उसकी आवश्यकता व्यवसाय में किस प्रकार से होती है। थैंक यू।